सलीम भाई, नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ श्रीलंका, देखा देखा आप मैनेजमेंट पे बात करना चाह रहे हैं ना, आप मैनेजमेंट पे बात करना चाह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा था निशांका ने 45 बॉल्स 40 रन्स कैसी रही उसकी ओपनिंग, आप मैनेजमेंट पे आइएगा लेकिन पहले ये बात करनी। यार ऑब्वियसली अच्छा खेला वो, उसमें कोई शक नहीं, ये एक चीज मिसिंग थी ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग में बस, कि वो अच्छा ओपनिंग वहाँ से मिल सका, बाकी नहीं नहीं उनका देखें पहली विकेट गिरने के बाद उन्होंने 97 तक पार्टनरशिप गई, तो ऑब्वियसली वो उनकी ओपनिंग स्टैंड अच्छा। दोनों टीम्स की मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, किस किस की, श्रीलंका श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया? ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई, ये क्यों किया? अच्छा आप पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट पर बात करें, यार वो तो सबके सामने ही आपको नज़र ही आ रहा है कि कितने ब्लंडर हो रहे हैं। देखे ना अगर अगर ये दोनों हंसना शुरू हो गए, देखें इस पे पूरा पाकिस्तान हंस रहा है, वैसे ये दोनों नहीं हंस रहे, अगर 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 एक अभी तक चीफ सेलेक्टर को आपने उसको बनाया जिसको पता ही नहीं है क्रिकेट क्या है, ये सर तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कैसे एक्सपेक्ट कर सकते क्रिकेट बेहतर होगी। देखें जब रमीज आए थे तो आते ही उन्होंने टीम जो उसने अनाउंस की थी वो चेंज की थी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती थी ना, वसीम को आपने उसकी टीम वो नहीं ली थी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो बात ये है कि अगर आपने उसी बंदे को रखा हुआ है और वो पंजाबी कहते हैं ना चवला मारी जा रहा है, तो वो उसको लैपटॉप पे बनी थी, उसके बाद पेपर पे बनी थी। आमिर याद है ना टीम चेंज हुई थी उसके बाद, अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर भी वो इतनी देर से चल रहा है और आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, किसी को तो कॉन्फिडेंस होगा ना उस पर। लेकिन मोर देखो यार अगर आप मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, मैं आपको बताऊं होता क्या है, जब से मैं 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूं उससे पहले अंडर 19 से लेके मतलब 35 साल ही समय ले सारी ज़िंदगी हो गई इस चीज़ में, मैंने हमेशा देखा है कि चीफ सेलेक्टर या एक टेस्ट मैच वाला होता है या दो टेस्ट मैच वाला, बहुत कम मैंने देखा है कि जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हो वो अगर आया ना तो थोड़ी देर के लिए आया, उसकी रीज़न क्या थी? इंजी भाई हमारे हमारे इंजी के अलावा, इंजी के अलावा मैं बता रहा हूँ, इंजी के अलावा इंजी एक एक्सेप्शनल था ना, या कादर भाई थोड़ी देर के लिए आए, कादर भाई भी थे, वो उनको आप इसलिए नहीं लेते कि जब आप कोई गंदा डिसीजन होता है ना या कोई सिलेक्शन हो रही होती है उनके मतलब की नहीं हो रही होती तो वो स्टैंड लेते हैं कि भाई ये क्यों नहीं है, जैसे इन दोनों को निकाला गया, मैं वैसे कह रहा हूँ ये नहीं है टीम में, तो वो कोई ऐसा बंदा होता ना जो क्रिकेट को जिसने क्रिकेट खेली होती वो खड़ा होता कि यार ये दोनों क्यों नहीं है भाई, मुझे बताओ कि इन्होंने परफॉर्म किया, उसने 207 सीज़न में, मैं विक्की से उस दिन पूछा तो 7 टॉप आउट किए हैं, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की 100 प्लस, तो आपने ये क्यों भाई, आपने ये बात छेड़ दी है, आप क्या होता है जैसे वसीम टाइप के बंदे से जो भी वो कहते हैं जी आप ठीक कह रहे हैं, वो स्टार्टिंग में लैपटॉप ले आए थे आजकल नहीं नजर आ रहा लैपटॉप, वो अपडेट पे गया, ये नहीं पता बोर्ड को, असल रीजन ये है कि आपने साइन करने हैं बस, आपने टीम सेलेक्ट नहीं, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको भी जरा आपसे बात कर रहा हूं, ये दोनों है ही नहीं शो में, यही नहीं पता, यही नहीं पता, नहीं नहीं मतलब ऑब्वियसली दे कैन अंडरस्टैंड, ये नहीं पता कि किस प्लेयर की प्लेसमेंट कहाँ है, कौन कहाँ फॉल करता है, कौन ए प्लस है, कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, जब ये आप अंदाजा ना लगा सके और प्लेयर्स को रेट ना कर सके इसके लिए आपके पास वीएन होना चाहिए, आपको हर बंदे की एबिलिटी का पता होना चाहिए, जब आप खुद अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते ना तो फिर आप इस किस्म के सिलेक्शन करते हैं, जो ज़िंदगी में हमेशा बंदा जो कामयाब होता है ना उसने उस सिचुएशन से गुजरा होता है, उसको पता होता है कि यार इस मौके पे किसको मैंने कौन किस टूर पे किस की सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप वो आप ही सिफारशी खेलते रहे आपको क्रिकेट खेले नहीं हुए तो फिर यही होगा ना भाई, फिर ऐसी सिलेक्शन ही होगी। चलें अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि हमारे बोर्ड को कोई अच्छा चीफ सेलेक्टर मिल जाए, अल्लाह करे कोई अच्छा। अच्छा हमारे पास शो में आपको पता है वहाब रियाज साहब और मोहम्मद आमिर साहब नहीं है यार, वैसे पिछले नहीं हम पीएसएल पे बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, ऑब्वियसली आपने खुद ही यार मेरी तरफ तोपों नहीं नहीं अब मैं अगले मैच पे जा रहा हूं ना, इन दोनों को मैंने एक्सक्लूड किया फॉर वेरी गुड रीजन, फॉर वेरी गुड रीजन। अच्छा विकी भाई कल के मैचेस पे हम बात करते हैं, सनी मैच से हमने बहुत सारी बात कर ली है, इंग्लैंड आयरलैंड क्या देख रहे हैं?
ऑब्वियसली इंग्लैंड फेवरेट है, इंग्लैंड और आयरलैंड जो है वो उनके मैचेस अच्छे हुए हैं, बट T20 क्रिकेट में आई थिंक इंग्लैंड इज़ फार बेटर साइड देन आयरलैंड। मेरा नहीं ख्याल उनका उसके साथ कोई मुकाबला है, बट क्योंकि दो वनडे जो इंटरनेशनल्स हैं वो आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराए हुए और दोनों वनडेज में दे हैव स्कोर्ड मोर देन 350 रन, बट दैट इज़ अ 50 ओवर गेम, सो प्रोबेबली आई स्टिल बिलीव कि इंग्लैंड विल बी द बेटर साइड। ठीक है, अच्छा आमिर कैसे हैं आप, इंग्लैंड ही जीत रहा फिर? नो, आप इस तरह तो नहीं कह सकते इंग्लैंड ही जीते। T20 है, मैं तो बिलीव करता हूँ कि T20 पे आप प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा, लेकिन यह ऑन पेपर आपको जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही होती है आप बोलते हो कि ये टीम जीतेगी, लेकिन आई थिंक 60-40 इंग्लैंड 40 आयरलैंड। जबरदस्त, और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का एक अच्छा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा, या इसको आप वन साइडेड रेट करें? ये न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच कहाँ पे है, कौन से ग्राउंड पर? अफगानिस्तान का मैच कोलंबो, अगर तो सिडनी में है तो फिर काबुल, फिर अच्छा मैच होगा। अगर न्यूजीलैंड और मेलबर्न, मेलबर्न तो आई विल गो विद न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड, और इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि उनके जो तीन प्लेयर है ना वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल, कॉनवे, विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, तो वो इतना फंसते नहीं है स्पिनर्स के गेम्स, उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है। अगर आप पिछले मैच में भी देखे तो कॉनवे ने बहुत अच्छा जैम्पा को चार्ज लिया, और जो उनकी बॉलिंग साइड है तीनों वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर, सऊदी, बोल्ड एंड देन लुकी, फिर आ जाते सेंटनर, तो न्यूजीलैंड आई थिंक इस टाइम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट साइड लग रही है मुझे इस ग्रुप की। और अफगानिस्तान को क्या कोई हेज है विकी भाई? देखिए अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एवरीबडी नोज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप दे हैव, बैटिंग में उनको इशू है, लेकिन जब हम लास्ट ईयर वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें देखें तो बड़ा अच्छा इनकी बैटिंग को टैकल किया था बॉलर्स ने न्यूजीलैंड के, और वो कंडीशंस भी अबू धाबी की थी जिधर इतना पेस और बाउंस नहीं था, तो अब दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन मेलबर्न जिधर हमने देखा रिसेंटली तो पाकिस्तान का मैच हुआ देयर वाज अ लॉट ऑफ पेस एंड बाउंस, सो डिपेंड करेगा कि बैटिंग में वो कितना करते हैं। आई थिंक अगर 150 प्लस पहले बैटिंग करके या चेस पे भी 150 तक अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं न्यूजीलैंड को, सो देयर द मैच विल बी एन एक्साइटिंग वन, अदरवाइज थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ थोड़ा ही ज्यादा एडवांटेज जो है वो न्यूजीलैंड के पास है जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेम्स खेला, तो आए पहले ओपनिंग गेम के बाकी एक्साइटिंग गेम्स ही हो रहे हैं, मजे के गेम्स। हां मजा आ रहा है, पहला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का। सनी भाई इंग्लैंड आयरलैंड क्या रेशो है इंग्लैंड की तरफ, आप कितना वजन डालेंगे? यार ऑब्वियसली इंग्लैंड की बहुत अच्छी टीम है और इंग्लैंड ही है, और बाकी क्रिकेट में जैसे कहा आमिर ने कुछ पता नहीं चलता। देखिए उस दिन अगर उनका दिन हो, T20 छोटा फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता, कुछ का कुछ हो सकता है, मगर ऑन पेपर अगर आप देखो तो इंग्लैंड ऑब्वियसली इंग्लैंड बहुत अच्छा। और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड जल्दी से ताकि हम फिर वाइंड अप करें। यार अफगानिस्तान इंग्लैंड में भी अगर अफगानिस्तान अच्छा स्कोर करती है जैसे विकी ने कहा, तो वो उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो मुसीबत डाल सकती है, क्योंकि उनके दोनों स्पिनर जो है ना तीनों वो फंसा देंगे मैच को, तो ये कहना कि वो आसानी से जीतेंगे अगर स्कोर करके। सेकंड मैच जो है वो एक्साइटिंग होगा, देखने को मिलेगा अच्छा मैच इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, वकार साहब अगर आप, वहाब भाई सॉरी वकारी कह दिया, डॉक्टर साहब इनको ऐसे कुछ लोग शादाब भी कह जाते हैं गलती से। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त थैंक यू। देख लें आप, इजाजत ले रहे हैं मैं, ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं? इजाजत, बस अब इसके बाद इजाजत ही बनती है, आप इजाजत ले रहे हैं।